सबसे निवेदन है कृपया करके इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सब तक ये लाइव पहुंच पाए और सब लोगों तक इस लाइव की बात भी पहुंच पाए। आज हम बहुत अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कोरोना वायरस है ये किसने कहां से चला, किसने किया, किसी की साजिश है नहीं है, सारी बातों पर बात करेंगे। समझाने के लिए दिखा रहा हूं लेकिन आपको डराने के लिए समझ में आए तो डराने के लिए समझ लीजिए, डर जाइए, बहुत जरूरी है। अब आपको डरने की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही भद्दा तरीका है, बहुत ही घटिया तरीका है, बहुत ही बिल्कुल जाहिल तरीका है जिस तरह से भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि इसमें पढ़े लिखे लोग, और अगर आप देखना चाहते हैं कि कोरोना की हालत क्या हुई है बाकी देशों में तो जरा इसको देख लीजिए। ये तस्वीर अब आपके सामने है और इस तस्वीर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए। इस तरफ लाशों की लाइन लगी हुई है, ये लाशों की लाइन लगी हुई है और ये उसके बाद क्वारंटाइन हो रहे हैं। ये देखिए पूरे, ये पूरा पैक कर दिया गया है, पूरा पैक कर दिया गया है। ये चाइना का इलाका है, ये चाइना की स्थिति, जो चाइना में जो हुआ था। अभी हम थर्ड स्टेज में पहुंचे नहीं, अभी हम सेकंड स्टेज में, देखिए इसको समझिए, थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे। ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच की स्थिति है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और ये अगर आप सोचते हैं कि ये किसी दूसरे की लाश है तो आप ये समझ लीजिए ये आपके घर वालों की हो सकती है, आपके मोहल्ले की ये स्थिति हो सकती है, आपकी बिल्डिंग, आपके फ्लैट की ये स्थिति हो सकती है जिसमें आप रह रहे हैं इस वक्त, और इनमें से ही कोई आपका परिजन हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, आपके बहुत जैसे आप प्यार करते हैं, आपके सुपुत्र वो भी हो सकते हैं, आपकी बेटी, आपके पिता, कोई भी हो सकता है इसमें। इसलिए इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को अपने जहन में उतारिए और बेवकूफियों की हद जरा बंद कर दीजिए। जो एक लगातार जो बातें सुनने में आ रही है, अरे कुछ नहीं होता, हमारे यहां नहीं होगा, क्यों भैया? आपका रिश्तेदार है कोरोना वायरस, या आपसे ये पूछ कर आएगा, या वो रुक जाएगा, नहीं नहीं भारत है मुझे रुकना। और इसकी दर्दनाक मौत इतनी दर्दनाक होती है कि कोई आपको हाथ भी नहीं लगाता, वो भी जरा एक बार देख लीजिए। सॉरी, उस मौत को भी मैं आपको दिखा दूं, ये है वो मौत, और इस मौत को आप ध्यान से देखिए, अभी मरा नहीं है ये आदमी, जिंदा। और ये देखिए प्लास्टिक केस में ये पूरा पैक्ड है, और ये ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स, ये अलग अलग जगह हैंड ग्लव्स लगाए गए, ये इसलिए लगाए गए कि अब इसको खोला नहीं जाएगा, इसको पैक कर दिया गया है। ऑक्सीजन की एक नली अंदर दे दी गई जिससे सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी, और जो कुछ करना है इधर से हाथ डाल के करेंगे, ये डॉक्टर्स को जो कुछ करना है वो इधर से हाथ डाल के करेंगे, इसको कोई छुएगा नहीं इस व्यक्ति को, अब इतनी बुरी स्थिति है। अगर आप इसे शुद्ध हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं कि ये छुआछूत की बीमारी है। जिस प्रकार से आप किसी भी मुर्दे को कंधा देने के बाद आप लौटते हैं और आप कहीं छूलते नहीं है, टच नहीं होते, उसी प्रकार से आपको कोरोना वायरस में उससे भी 10 गुनी ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन के बारे में आपको सबको पता है क्या करना है, किसी से छुलना नहीं है, टकराना नहीं है। बाहर से आने के बाद सबसे पहले आपको कपड़े अपने एक एक कर, शर्ट उतारी आपने, उसको गोला बना लीजिए गोला, और वॉशिंग मशीन जो आपके यहाँ सबसे पीछे रखी रहती है उसको मेन गेट पर ले आइए, गोला बनाकर बिल्कुल धीरे से नीचे रख दीजिए, क्योंकि जब आप कपड़े उतार कर डालेंगे, और हम ये मानकर चलेंगे, हर जगह मानकर चलेंगे ये कोरोना वायरस इसमें है, हम जिससे भी मिलेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि उस व्यक्ति में कोरोना वायरस है, हम जो भी दरवाजा पकड़ेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि उस दरवाजे के हैंडल में कोरोना वायरस है, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, तभी हम इससे जीत पाएंगे। इसका कोई इलाज कुछ नहीं है, आपके पास तमाम दवाइयां आ रही होंगी, व्हाट्सएप पे तमाम मैसेज आ रहे होंगे, सर कुछ नहीं होने वाला, विश्वास मानिए कुछ नहीं होने वाला। इटली विश्व में, पूरे विश्व में मेडिकल सर्विसेज में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में लाशों की लाइन लगी हुई है, लाशें भेज नहीं पा रहे। कल 700 से ज्यादा लोग, तकरीबन 800 के आसपास कल के कल मरे हैं, वहां की सरकार दबा चाहकर भी नहीं दबा पा रही, इतना बड़ा आंकड़ा कि वो चाहकर भी नहीं दबा पा रही। कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं, पूरे भर चुके हैं, अब शहरों से बाहर प्राइवेट जमीन सरकार एक्वायर कर रही है, ले रही है, वहां खोदकर गाड़ा जा रहा है, और ये कोई हाथ से काम नहीं हो रहा, इतना मेहमत काम हाथ से नहीं हो सकता, मेहमत समझते हैं बहुत विशाल काम, विराट काम, ये हाथ से नहीं हो सकता, मशीनें लगी हुई हैं, तमाम सारी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है। इटली जो दूसरे नंबर पर आता था उसका ये हाल हो गया, तब क्या होगा भारत में, क्या होगा? यहां तो बेड भी नहीं है, वहां बेड कम पड़ गए, वहां डॉक्टर्स कम पड़ गए, बहुत लोग कम पड़ गए। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि जब आप शर्ट उतारे उसका पुलिंदा बना लें गोल, और उसको बिल्कुल धीरे से रखें, अगर आप वो छुलती हुई बटन्स को छुलती हुई नीचे जाती है शर्ट, तो वो आपकी वॉशिंग मशीन भी संक्रमित हो चुकी, अब आपकी वाइफ या कोई भी घर में से उसको यदि चलाएगा तो वो भी संक्रमित हो जाएंगे, समझ में आना चाहिए। डॉक्टर्स जो कि पूरा सूट पहने हुए थे वो भी संक्रमित हो गए, ऐसे हो गए कि जब सूट उतार रहे थे तो थोड़ी सी लेतलाली हो गई, वो सूट उनको कहीं उनके हाथ में लग गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास पहुंच गया। आपने वो वीडियोस तमाम देखे होंगे जिसमें रेड और येलो लाइन बन रही है कि एक ने छुआ दूसरा इन्फेक्टेड हुआ, तो लगातार लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये स्थिति आप समझ लीजिए, ये जो स्थिति है ये आपके साथ ना हो, ये आपके परिवार वालों के साथ ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डरें, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये तस्वीरें भी देखें। हम ये तस्वीरें शायद आपको कभी नहीं दिखाते, लेकिन दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जब लाशों की लाइन लगेगी तो वो कुछ इस प्रकार लगेगी जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। पूरा ऊपर तक कपड़ा ढका हुआ है, स्पष्ट है कि लोग मर चुके हैं, मुंह तक कपड़ा कभी नहीं ढका जाता, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है, इसको जितने आसानी से आप समझ लें, जिस भाषा में आप समझ लें उस भाषा में समझिए, तस्वीरों की भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है साहब, और कोरोना वायरस कितना भयानक है ये आपको इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जिसकी बात हो रही है उसका जरा आप आंकड़ा देखिए किस तरह से होता है, पावर देखिए आप। सोशल डिस्टेंसिंग पहले आदमी को जब होता है 5 दिन बाद 2.5 पीपल को इन्फेक्ट कर चुका होता है, थोड़ा पास से दिखा दूं आपको अच्छे से देखिए, और 30 दिन बाद जो स्थिति होती है वही होती है 406 लोग। भारत में फिलहाल जो स्थिति है वो तकरीबन 1.5 to 200% दुगने के हिसाब से बढ़ रही है, और 50% अगर लेस एक्सपोजर होता है, यदि आप लोग घर पर रहते हैं कुछ हद तक, सिर्फ ऑफिस वाले जाते हैं, तब 5 दिन में 1.5 और 30 दिन में सिर्फ 15 लोग इन्फेक्ट होते हैं। ये इस वक्त हमारी स्थिति है, लेकिन यदि अगर आप बहुत अच्छे से लॉकडाउन में रहते हैं जैसे आज है, 1% 5 दिन बाद 0.625 पीपल और 30 दिन बाद सिर्फ 2.5 लोग बचेंगे, यानी कि आप इससे बच जाएंगे। मैं कई दुकानों पर गया, दुकानें खुली हुई हैं, आज भी मैं देख रहा हूं जिन लोगों ने कभी भी जो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकले, जो लोग कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी स्थिति यह है कि उन्हें आज मॉर्निंग वॉक की याद आ रही है। कब सुधरेंगे लोग, कब सुधरेंगे, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये खुद मरेंगे, आपके पूरे मोहल्ले को संक्रमित करेंगे और ये आपको भी मरवाएंगे, ये गारंटेड है, लिख कर लीजिए। इस तरह के लोग खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, इनका पूरा परिवार मरना है और ये आपके पूरे मोहल्ले को भी मरवाएंगे। ऐसे लोग यदि आपको कहीं दिखते हैं आप इनको तुरंत रोकिए, इनसे पूछिए आप किस आधार पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और यदि प्यार की भाषा समझ में नहीं आती तो खींचकर एक तमाचा जड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस FIR नहीं लिखने वाली इनकी आज की तारीख में। पुलिस खुद बहुत परेशान है, पुलिस के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तमाम सारे लोग, सेना इन्फेक्टेड हो रही है। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से, ये उन लोगों की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा था बाहर कमाने के लिए, जिन्होंने अपनी बेटी अपने बेटों को भेजा था बाहर कमाने के लिए, और जब कोरोना वायरस हो गया, जब वो बाहर से नाचने गाने जो लोग गए थे बाहर, जो लोग पार्टी मनाने गए थे, जो लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे, हमारे भारत में कोरोना वायरस नहीं था, ये लोग लेकर आए हैं, ये लोग लाए हैं, और ये वो लोग लाए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था। आपके पास तो पैसा था ना, तो भारत क्यों बुला रहे हो, भारत तो अच्छा देश नहीं है इसलिए तो आपने बाहर भेजा, भारत के अंदर सुविधाएं नहीं है, भारत बहुत घटिया देश है, हम कहते हैं भारत बहुत घटिया देश है, इसलिए आपने भेजा था ना बाहर, तो बाहर ही रखो बच्चों को, तुम भी बाहर चले जाओ, तुमको चाहिए ना, तुमको अपने बच्चों के साथ होना चाहिए ना इस समय, क्योंकि संकट की घड़ी है, तो तुम भी बाहर जाओ, उनको यहां मत बुलाओ, आपको यहां बुलाने का उनको अधिकार नहीं है, हमारी जान